हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम हमारे चैनल क्रिएटिव स्टूडियो एफएक्स में। सो आज हम देखने जा रहे हैं आफ्टर इफेक्ट्स का 25th लेक्चर। सो अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं ऊपर राइट साइड में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके चेक कर लीजिए। तो हम डिस्ट्रॉट में स्टार्ट किया था हमने, आज हम देख लेंगे डिस्ट्रॉट में हमारे पास आगे क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं एक बेसिक कॉम बना लेता हूँ, न्यू कॉम बना लेते हैं नॉर्मल सा, और एक नॉर्मल इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसको कॉम में ड्रैग करिए, कंट्रोल ऑल्ट एफ दबाइए, फिर शिफ्ट दबा के इसको हल्का सा बड़ा करिए यहाँ से, तो वो अपने एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में आ जाएगा। देख रहे हैं, थोड़ा जूम आउट करूँगा तो यहाँ से वो अपने एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में आ गया है। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में फ्लो मोशन तक देखा था, तो आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये पहला इफेक्ट क्या करता है, बेसिकली एक टाइलिंग इफेक्ट बनाने के लिए आपको काम में आता है। देख रहे हैं, अगर आपके इमेज से ऐसे आप इसको ये एक इफेक्ट दे सकते हैं। यहाँ से आप अगर आपको ये ऐसे जिगजैग नीचे थोड़ा क्रॉस चाहिए तो आप यहाँ से इसको क्रॉस कर लीजिए, और यहाँ से आप उसका टाइलिंग का साइज आप एडजस्ट कर सकते हैं ईजीली। तो यहाँ से अगर आप क्रॉस ना करें, इसको ज़ीरो रखें, तो आप यहाँ से इसका वृत्त में भी इसका कैसा टाइलिंग चाहिए वैसा आप डिसाइड कर सकते हैं। देख रहे हैं अभी ये हाइट में भी आ चुका है, तो एक ट्रांजिशन टाइप बना सकते हैं इससे जैसे, या फिर एक जब भी इमेज जब स्टार्ट होती है तो कैसा वो प्रेजेंट करेंगे इसके आप वो बना सकते हैं सिंपली। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सीसी लेंस। तो ये मैंने आपको एक बोला था एक डायनेमिक्स पैरेलल लुक बनाने के लिए आपको एक काम में आएगा, तो मैं आपको आज एक एनिमेशन सिंपल सा बना के इसका आइडिया दे देता हूँ। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। इसके अंदर हमें की फ्रेम लगा देंगे साइज पे, फिर एक दो सेकंड पे जाके हम इसको ज़ीरो कर देते हैं नॉर्मल। अब ज़ीरो नहीं, 100 आएगा आई गेस, 100 से थोड़ा कम। ओके तो आपने एक बार ये एनिमेशन कर लिया, और इसके साथ आपको हल्का सा स्केल का एनिमेशन करना पड़ेगा। अगर मैंने यू दबाया तो दोनों आपको की फ्रेम दिख जाएंगे। तो फर्स्ट की फ्रेम पे आइए, एस दबाइए, स्केल के अभी की फ्रेम चालू करिए, फिर यू दबाएंगे तो आपको दोनों की फ्रेम दिखने लगेंगे। यहाँ पर आपको हल्का सा ये ओरिजिनल रहेगा, तो यहाँ पर आप एक की फ्रेम लगा दें, और फर्स्ट में आके हल्का सा इसको आप जूम इन करें। ओके तो अब आपको एक ये इफेक्ट आएगा, देख रहे हैं इमेज भी जूम आउट हो रही है। तो की फ्रेम ग्राफ एडिटर में जाके हम थोड़ा सा इसको ट्वीक कर देते हैं। ग्राफ एडिटर पे एक मैं पर्टिकुलरली अलग लेक्चर लूँगा, वो आप देख लें। तो अभी हमारे पास कैसा एनिमेशन आएगा एक बार देख लें। ओके तो इसके अंदर हमको खाली स्केल के की फ्रेम को थोड़ा एडजस्ट करना है ताकि ये दोनों टाइमिंग पे आए। तो देख रहे हैं, या फिर इसको हम नॉर्मल F9 भी रखेंगे तो चलेगा। एक बार F9 प्रेस कर देंगे तो फिर ये उसका जो ग्राफ था वो नॉर्मल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं काफ़ी एक अच्छा सा पैरेलेक्स लुक आ गया हमारे पास इसके अंदर। तो लेंस ये ऐसे काम करता है। बाकी और भी आपका लेंस इफेक्ट अगर बल्ज है तो उसको मिटाने के लिए भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि मैंने आपको ऊपर बल्ज में दिखा दिया। तो नेक्स्ट इफेक्ट है हमारे पास पेज टर्न। पेज टर्न तो आपको मालूम ही होगा, एक सिंपल सा इफेक्ट है। जैसे आप ये डालेंगे एक पेज टर्न होता हुआ जैसे दिखेगा। इसके लिए हम एक कोई दूसरा इमेज लेते हैं, बिकॉज इसके अंदर इतना ये समझ में नहीं आ रहा है। इमेज डिलीट कर देता हूँ मैं, एक सेकेंड, और ये इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेंगे साइजेस का। तो अगर मैं अभी पेज टर्न करूँ तो आप देख रहे हैं इसके अंदर आपके पास एक पेज टर्न करने के लिए सिंपल सा ऑप्शन मिल गया है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसे आप पेज टर्न के सेटिंग्स देख सकते हैं। जैसे
फोल्ड का रेडियस कितना होना चाहिए, मैं जितना बढ़ाऊंगा तो इसके अंदर देख रहे हैं वो टर्न होने के लिए उतना ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट बनाएगा उसका। यहाँ पर आपके पास और भी कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं फोल्ड को, फिर अगर आपके पास एक बार आप इससे एग्री हैं तो आप यहाँ पर से इसको ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करके आप इसको सिंपली एनिमेट कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल है, ऐसे आप इसको एनिमेट कर सकते हैं नॉर्मली। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है सीसी पावर पेन। ये भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट है बट नॉर्मल नहीं है। नॉर्मली हम इसके ऐसे हमारे पास काफ़ी इफेक्ट्स हैं जो सेम ही काम करते हैं एग्जैक्टली, फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। पावर पेन मैं इसके ऊपर लगाता हूँ, हम हमको चारों कोनों पे एक ऑप्शन मिलेगा। ये क्या करता है बेसिकली देख रहे हैं, ये आपके इमेज में एक पर्सपेक्टिव एडजस्ट करने के काम आता है। अगर मैं इसको ऐसे रखूं और इसको थोड़ा ऐसे रखूं, यहाँ से हम इसको ऐसा करेंगे तो आप समझ रहे होंगे कि देख रहे हैं आपको इमेज एक साइड से ज़्यादा बाहर लग रहा है। अगर आप इसको बंद करेंगे तो इमेज के करेक्शन आप देख पाएंगे। और भी कुछ काम आ सकता है ये आपको, अगर पर्टिकुलर कोई चीज़ जैसे जिसका पर्सपेक्टिव सीधा करना है या फिर कोई चीज़ को आपको पर्सपेक्टिव देना है तो आप यहाँ से उसको कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिपल प्लस। रिपल प्लस बेसिकली इतना काम नहीं आता, मैं आपको आगे चल के इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, बिकॉज यहाँ पे इसका कुछ सिंपल आपको इसके अंदर अगर आप डालेंगे तो आपको फ़र्क ही नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये थोड़ा 3D बम मैप वगैरह बना के काम करता है। ये मैं आपको बाद में एक अच्छे से ट्यूटोरियल में बताऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास सीसी स्लांट जैसे नाम से वो कोई भी इमेज को आपको स्लांट करने के काम आएगा। तो यहाँ से आप उसको इजीली स्लांट कर सकते हैं जो से साइड चाहिए आपको। मोस्ट ऑफ ये मोशन ग्राफिक्स में काम आता है बट अगर आपको ज़रूरत है तो आप ये इसका सेंटर पॉइंट डिसाइड करता है वो कहाँ से स्लांट होना चाहिए, ये आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इसका हाइट वगैरह सेट कलर कर देंगे तो ब्लैक हो जाएगा, फिर जो आप कलर देंगे वो आप उसको कलर दे सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें, तो ये बेसिकली क्या काम करता है, जैसे आप इसके ऊपर ये लगाएंगे तो ये देख रहे हैं एक आपको दो पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक फ्रॉम और एक टू। तो ये क्या करता है, ये जैसे आपको एक मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं इसके एक यहाँ पे आईब्रो पे रखूँ और दूसरा यहाँ पे कर दें, ओके। तो वैसे काफ़ी ध्यान से इसको एडजस्ट करिए, मैं तो बोल रहा हूँ ये बंद करें फिर एक बार देखें फिर चालू करके आप इसको इजीली देख सकते हैं। तो ऐसे काम करें इसके अंदर, और एक से नहीं आप इसको डुप्लीकेट कर लें दो, और दूसरे को भी साइड में से थोड़ा एडजस्ट करें तो आप और भी अच्छा रियलिस्टिक आउटपुट ला पाएंगे अपने आर्टवर्क में। तो देख रहे हैं काफ़ी ऐसा नेचुरल टाइप लग रहा है वो, बट वो है नहीं। अगर मैं ये दोनों को सेलेक्ट करके डिलीट कर दूं तो आप देख रहे हैं हमने कितना इजी इफेक्ट बना लिया। ये ऐसे आपको बेसिकली काम आ जाएगा, और भी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट सेट स्ट्रेच करना है तो आप उससे कर सकते हैं सिंपली। और उसका देख रहे हैं जैसे अब मैं इसको एक डिलीट करता हूँ और मैं आपको और बताता हूँ उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। इसको थोड़ा सा प्रॉपर जगह पर एक्सेस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास उसके अंदर रीच का ऑप्शन है, देख रहे हैं वो उसके आजू बाजू के एरिया कितना रीच उसके तरफ जाना चाहिए ये वो डिसाइड करता है। इसको नॉर्मली रखें, रेडियस को कितने ज़्यादा एरिया को अपने साथ लेके जाएगा। तो काफ़ी सिंपल इफेक्ट है बट यूज़फुल है। इसके अंदर आप कितने भी अब डुप्लीकेट कॉपीज बना के उसको सिंपली यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। नेक्स्ट है स्प्लिट। स्प्लिट मैं आपको डाल के बताता हूँ, इसमें डिलीट कर देते हैं, नहीं इसमें रहने देते। स्प्लिट दो पॉइंट से आपको इमेज को या कोई भी चीज़ को स्प्लिट करने का ऑप्शन देता है। अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ रखूँगा एग्जैक्टली उसके लिप्स यहाँ एंड कर रहे हैं वहाँ पर,
और अगर जैसे आप इसके अंदर अमाउंट इसका इंक्रीज करेंगे स्प्लिट का, तो आप देख रहे हैं आप वहाँ से वो दोनों चीज़ को स्प्लिट कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ से यहाँ पे आपको स्प्लिट काम आएगा अगर आपको बेसिकली इमेज में लिप सिंक का एनिमेशन करना है तो, बट फिर आपको ये सारी वैल्यूज़ को एडजस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है स्प्लिट टू, ये भी सेम ही काम करता है एक्चुअली, बट इसके अंदर हमारे पास दोनों पॉइंट्स का जो कंट्रोल था स्प्लिट का वो एक में है, बट इसके अंदर आपको दोनों का कंट्रोलर अलग अलग मिल जाएगा। तो ये ऐसे काम करता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे हम जो टाइल वगैरह बाकी हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में देख लेंगे। टिल देन आप जाके हमारे चैनल पे चेकआउट कर लीजिए, कोरल ड्रॉ सिनेमा 4D एंड फोटोशॉप के काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स चालू है। सो टिल देन गुड बाय।